चुनाव में मेहनत सभी की तरफ से की जाती है, जीत किसी को मिलती है, किसी को हार मिलती है, लेकिन बीजेपी को 3 राज्यों में शानदार जीत मिली है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। बीजेपी के नेताओं की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता और बीजेपी की नीतियों पर जनता ने मोहर लगाई है। इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं लाइव। नमस्कार जयराम जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। जी धन्यवाद, थैंक यू। जयराम ठाकुर जी, आज का ये नतीजा जाहिर सी बात है कि बहुत उत्साहित कर रहा है बीजेपी के नेताओं को और एक शानदार परफॉर्मेंस रही है, किस तरह से देखते हैं, पहली प्रतिक्रिया क्या है 3 राज्यों में जीत पर? देखिए, बहुत शानदार जीत हुई है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को, अमित शाह जी को, और वहां की जनता ने जो जनादेश दिया है उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि ये जनादेश जो जिस प्रकार से आया, ये बहुत बड़ा संदेश दे करके गया है, पूरे देश को गया है संदेश। और इसमें सीधी सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करने की जो आज की तारीख में पूरा देश अनुभव कर रहा है कि जरूरत है, और इन राज्यों ने पहल की है उस दृष्टि से कि हम इसकी शुरुआत करते हैं, वो बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले। और नरेंद्र मोदी जी को मजबूती मिली है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिली है, और 4 राज्यों के जहां आज परिणाम निकले, 3 राज्य जो बड़े राज्य हैं जिनमें 2 जगह कांग्रेस का शासन था उखाड़ फेंका गया, और 1 राज्य जहां 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहां फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ बनी है। अच्छा जयराम जी, एक और बात है, जिस तरह का माहौल हिमाचल प्रदेश में एक रहता है हमेशा सरकार बदलने का 5 साल में, उसी तरह की चर्चाएं राजस्थान को लेकर भी थी। हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि इस बार हम रिवाज बदलेंगे, लेकिन वहां पर भी रिवाज नहीं बदला, और इसी तरह का राजस्थान में भी नहीं बदला। तो इस तरह की चीजें क्या जनता के मन मस्तिष्क पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देती हैं कि नहीं, हमें तो 5 साल में सरकारों की तब्दीली ही करनी है, या फिर कुछ और फैक्टर्स होते हैं? देखिए, वहां राजस्थान के चुनाव में मुद्दे थे जी, और वो मुद्दे बहुत प्रभावी मुद्दे थे। लोगों ने मुद्दों पर वोट दिया है अपना, और जो मुद्दों पर वोट दिया है तो उसमें हमको ये मान करके चलना चाहिए कि उन मुद्दों का असर था, और वो भ्रष्टाचार की चाहे बात हो, चाहे वो 19 पेपर लीक हुए वहां पर राजस्थान में, वो छोटा विषय नहीं था। और उसके साथ साथ में डेवलपमेंट की बहुत सारी चीजों को लेकर के जो केंद्र से लोग उम्मीद करते हैं, उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रही थी प्रदेश की सरकार सहयोग की दृष्टि से। वहां पर केंद्र के साथ कोऑर्डिनेशन का जो एक मसला इस प्रकार का जो था, तो उसमें लोगों को लगा कि डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता राजस्थान में, और इसलिए सरकार वहां पर कांग्रेस पार्टी की हटा करके भाजपा की सरकार बनानी आवश्यक है, इसलिए परिणाम हमारे सामने आए। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी के लिए अथाह प्रेम लोगों के दिल दिमाग में होना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। अच्छा, एक और बात थी कि गारंटियां कई सारी थी, और हिमाचल में भी कांग्रेस ने गारंटियां दी, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस ने अपनी गारंटियों की बात की कि हम गारंटी देते हैं, तो वो क्या फर्क होता है कि बीजेपी की गारंटियों पर लोगों ने इन 3 राज्यों में यकीन किया, कांग्रेस की गारंटियों पर नहीं किया, और क्या इन चुनावों में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से जो वादे किए गए थे और वो अब तक जिस तरह के आप सवाल उठाते हैं कि पूरे नहीं हुए, इस तरह का असर भी पड़ता है इतनी दूर तक? नहीं, देखिए, एक बात तो आप मान करके चलिए कि कांग्रेस ने जो एक कल्चर डेवलप किया था गारंटियों का जी, वो आज दफन हो गया। छत्तीसगढ़ से शुरुआत की थी और आज मुझे लगता है कि वो खत्म हो गया। वो मॉडल, जिस मॉडल को वो हमेशा कहते थे छत्तीसगढ़ मॉडल, और छत्तीसगढ़ मॉडल में खुद जाकर के वहां पर देख करके आया, मैं तो हैरान हुआ इस बात को देख करके, सुन करके वहां पर, कि छत्तीसगढ़ मॉडल क्या है, मॉडल में कुछ है ही नहीं। छत्तीसगढ़ मॉडल में गारंटी ने गोबर 2 रुपए किलो खरीदने की दी थी, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसमें बहुत बड़ा घपला हुआ, शराब घोटाला वहां पर हुआ, कोयला घोटाला वहां पर हुआ, और उसके बाद महादेव ऐप घोटाला वहां पर अभी ताजा तरीन है और जिस बात को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा है। तो ऐसे में इसको मॉडल कैसे मान रहे, मैं तो हैरान थी इस बात को लेकर के, लेकिन अच्छा हुआ वो रिजेक्ट कर दिया। वहां की छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत बड़ा एक संदेश दे दिया कि ये मॉडल छत्तीसगढ़ को ही स्वीकार्य नहीं है, देश को तो क्या होगा। तो ऐसे में गारंटी वाला कांग्रेस का जो फॉर्मूला था, मुझे लगता कि वो पूरी तरह से समाप्त हो गया।
गारंटी सिर्फ एक व्यक्ति की, वो है नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, जिस पर लोगों ने भरोसा जताया है। जयराम ठाकुर जी, एक और बात है, इस बार जातीय जनगणना का काफी शोर हुआ देश की संसद से लेकर इन चुनावी राज्यों में भी, और हिमाचल में भी कांग्रेस की तरफ से ये वादा किया गया कि हम वहां पर भी जहां जहां हमारी सरकारें जातीय जनगणना कराएंगे। जात पात की राजनीति इस बार हमेशा होती है चुनावों में, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही चर्चा हुई। बीजेपी की तरफ से भी जिक्र किया गया, कांग्रेस की तरफ से भी जिक्र किया गया, लेकिन जनता ने इस चीज को किस तरह से देखा है? जनता ने सारे विषय को सिरे से खारिज कर दिया। किसी भी पार्टी का, किसी भी सरकार का ये मकसद रहना चाहिए कि हम समाज को जोड़ करके रखें, जोड़ करके उसको आगे बढ़ाएं, मिल करके उसको आगे बढ़ने का रास्ता दें और मिल करके हम रहने का रास्ता बनाएं। तो इस प्रकार से समाज को बांट करके जो प्रयत्न, अंतिम प्रयास जो कांग्रेस पार्टी जो कर सकती थी उसको सिरे से खारिज कर दिया। और ऐसे में मैं यही कहूंगा कि अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कुछ और तलाशना होगा। जिन मुद्दों को उनने कोशिश की थी लोकसभा के चुनाव से पहले, हम ये इस तरह से काम करके इसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे, लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। एक और मेरा आखिरी सवाल आपसे, 2024 करीब है, क्या इसको 2024 का सेमीफाइनल माना जाए? इन चुनावों का 2024 पर इन नतीजों का क्या असर पड़ने वाला है, या फिर हम ये कहें कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होंगे, वो माहौल अलग होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, मेरा ये मानना है कि इन राज्यों के चुनाव के परिणाम का व्यापक असर लोकसभा के चुनाव पर होगा जी, क्योंकि ये परिणाम जो आज आए हैं ये कांग्रेस पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसमें होश जो है वो कांग्रेस पार्टी के उड़ गए हैं आज के इस चुनाव के परिणाम के पश्चात। उन्हें कल्पना नहीं की थी, वो मान के चल रहे थे मध्य प्रदेश तो जाएंगे जाएंगे, भाजपा वाले वहां पर सत्ता में वापस नहीं हो सके क्योंकि 18 साल से सत्ता है, लोग नाराज हैं, लेकिन वहां उससे भी ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बन गई। और उनको लगता था छत्तीसगढ़ ऐसा दुर्ग है जहां पर जिसको कोई हिला ही नहीं सकता, जिसको कोई जीत ही नहीं सकता है, वो ध्वस्त हो गया बुरी तरह से जी। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत एक इस तरह का एक माहौल, अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलेगा और पूरे गठबंधन में देखने को मिलेगा, और निश्चित रूप से इसका परिणाम होगा। देश के दिल दिमाग पे एक ही बात है कि मजबूत नेतृत्व चाहिए, मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी दे सकते हैं। मोदी जी को एक दशक पूरा होने जा रहा है, दूसरा दशक एक और, एक दशक और उनको देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों का जिक्र करने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष मौजूदा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस वक्त बहुत ज्यादा चिंतन और मंथन की जरूरत है।